ओके गाइस, सो रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं रिएक्ट नेटिव, जिसकी मदद से हम एंड्रॉइड या आईओएस ऐप दोनों बना सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है, उन सारे टॉपिक्स को यूज करके अभी इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसकी मदद से सारी चीजें जो भी हमने पढ़ रखा है, वो सारा का सारा चीज हमारा रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल, तो सारे कॉन्सेप्ट एक अच्छे तरीके से क्विक रिविजन लेने के लिए हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। कहने को बहुत ही सिंपल सा चीज सुनाई दे रहा होगा, कैलकुलेटर। बट अभी हम ये कैलकुलेटर को जब बनाएंगे तो ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगे। तो फटाफट से इस कैलकुलेटर को बनाते हैं और मजा आएगा। हर चीज को यहाँ पे बेसिक से वापस से हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो मैं सबसे पहले ये ओपन कर लेता हूँ, जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये app.js है। मैं इस app.js को पूरा पूरा क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास हमने टचेबल ऑपेसिटी पढ़ा था, तो ये चीज हमने बनाया हुआ था। मैं किसी भी चीज को पीछे से नहीं हटा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल, लाइक वीडियो बंद कर दिया या फिर दूसरा जब वीडियो मैं बना रहा हूँ तो उसको मैं हटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होती है, मुझे पता है। तो मैं ये पूरा पूरा चीज जो है मैं अभी क्लियर कर दिया app.js को, और यहाँ पे मैं फ्रेस बनाऊंगा ये, ठीक है, कॉन्स्ट ऐप नाम का, क्योंकि app.js आपने ये फाइल का नाम दिया है, तो उसी नाम का आपको फंक्शन बनाना है। और उसके बाद ये एक एरो फंक्शन मैं यहाँ पे बेसिकली बना रहा हूँ, ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा होगा एक व्यू। अब ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक व्यू रिटर्न करता है। व्यू इज समथिंग लाइक एक डिव, है ना, ये बातें मैंने बता रखा है। अब ये व्यू जो है, ये क्या चीज है, ये कहाँ से आ रहा है, तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लूंगा रिएक्ट नेटिव से। तो ये जो व्यू है ये रिएक्ट नेटिव से आ रहा होता है, और ये कायदे से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली सेम है डिव की तरह, ठीक है। चलो ये तो हो गया। ये व्यू को आप ऐसे फील करोगे कि ये पूरा पूरा स्क्रीन, राइट, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूंगा, उससे पहले लाइक इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा ऐप, इसी नाम से एक्सपोर्ट किया जाएगा, सो दैट इसको कहीं पे इम्पोर्ट किया जा सके। और ये ऐप डॉट जेएस को कहाँ पे इम्पोर्ट किया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंडेक्स डॉट जेएस में। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो ये इंडेक्स डॉट जेएस है, जो कि क्या कर रहा है, ये ऐप डॉट जेएस जो कॉम्पोनेंट है इसको लोड कर रहा है, ये स्क्रीन आप कह सकते हो इसको, ठीक है, इसको लोड कर रहा है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, एंड जैसे मैंने इसको सेव करा, यू कैन सी लाइक ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। सबसे पहले मैं इसको एक लाइक स्टाइल ये दे करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल्स डॉट, मैंने अभी इसको बनाया नहीं है ना, स्टाइल्स को स्टाइल्स डॉट रैपर में लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसे मुझे बनाना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट स्टाइल्स, देखो ये स्टाइल्स है ना, ये स्टाइल्स के अंदर से आप रैपर उठा रहे हो, तो स्टाइल्स बना करके उसके अंदर आपको रैपर डालने पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल, तो ये चीज़ जो हम स्टाइलिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्टाइल सेट ये मैंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ से हम कर रहे होते हैं स्टाइल सेट डॉट क्रिएट, हाँ जी बिल्कुल, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रैपर, मजा आएगा, एक एक चीज को बढ़िया से देखोगे, ठीक है, हाँ मजा आएगा, ध्यान से देखोगे। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ फ्लैक्स 1, सो दैट कि पूरा विड्थ एंड हाइट को ये लाइक कवर कर ले, ठीक है। तो ये फ्लैक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर, मैं बैकग्राउंड कलर जस्ट अभी दे करके ऐसे दिखा दे रहा हूँ, है ना, कि ये देखो रेड, मैंने इसको सेव करा, और ये आप पूरा पूरा देख सकते हो। अब मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट मैंने इसको ऐसे ही दिया था। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट का हम लाइक यूआई देख लें कि कैसे हम बनाने वाले हैं, है ना, बिल्कुल से, तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा कि ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अब बढ़िया से देखोगे। सो द थिंग इज कि हम इसको जो बनाने वाले हैं, मतलब जो यूआई होने वाला है, वो कुछ इस तरीके से होना है। प्लीज इधर देखेंगे, ये आपका पूरा पूरा, ठीक है, जो भी है फोन वगैरह डिवाइस जो भी बोल रहे हो, है ना। तो ये एक स्क्रीन समझ लो, ये पूरा पूरा कॉम्पोनेंट। तो ये कॉम्पोनेंट अभी हमारा कौन सा है, ऐप कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये पूरा पूरा, राइट, बिल्कुल से। अब इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक सबसे पहले क्या होगा, डिस्प्ले, राइट, डिस्प्ले मैं इसको नाम दूंगा, है ना। ये एक्चुअली में एक इनपुट बॉक्स होगा, जहाँ पे आप जो भी लिखोगे लाइक 2 + 3 ऐसे, तो यहाँ पे टाइप हो रहा होगा ऐसे समझ लो, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, आप समझो बात को। तो ये एक चीज होगा, देन इसके नीचे जो है वो बटन होंगे अलग अलग, ठीक है। अब ये क्या क्या बटन होंगे, आपको पता है कैलकुलेटर में क्या क्या बटन होते हैं, राइट, आप कैसा कैलकुलेटर बना रहे हो। तो सपोज मान लो कि मैं इसको दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने ये उल्टा लिख रखा है, बट मेरा ऐसा ही है अभी, है ना, कीबोर्ड वगैरह में एक्चुअली में देखोगे तो ऐसा रहता है, ये 1 2 3, उसके बाद ये 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये ऐसे रहता है एक्चुअली में। और चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है,
टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आप अलग भी रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एकदम वैसे ही रट के बैठ जाओ, ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि ये है एक्चुअली में 7, 8, 9, हाँ बिल्कुल, और ये है एक्चुअली में 4, 5, 6, और ये है 1, 2, 3। आप ऐसे ही लगभग देखते होंगे। यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ अपनी मर्जी से, मैं प्लस रख दिया, यहाँ पे माइनस रख दिया, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई रख दिया, ठीक है, बात को समझोगे जो मैं कह रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैं 3 बटन और बनाता हूँ, ठीक है, 3 ही बनाऊंगा मैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सपोज मान लो ये स्लैश है, हाँ ये डिवाइड करने है ना स्लैश, और ये इक्वल टू, ठीक है, हाँ जिसको प्रेस करने पे, या मैं काम करता हूँ कोई सा भी मैं बटन इधर उधर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये दो मिला करके मैं ऐसे रख देता हूँ, ऐसे सपोज मान लो कि एक बटन और, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, एक बटन जो है और, अच्छा मेरे पास अभी एक बटन तो रह गया, और रुको एक 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 और चीज़, हमें डॉट वोट भी तो चाहिए होगा ना, जीरो वगैरह भी अभी तो है ही नहीं, तो फिर एक लाइन और बना दो ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, अब आप देख लेना कि इसमें क्या क्या रखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जीरो रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे स्लैश होगा, ठीक है, यहाँ पे लाइक ये स्लैश हो गया, ये जीरो हो गया, एंड यहाँ पे सपोज मान लो डॉट है, ठीक है, एंड ये है इक्वल टू, एक मैं पूरा पूरा ऐसे बता दूंगा, ठीक है, ये पूरा, अब ये इक्वल टू मैं रख देता हूँ, नहीं होता है तो, और इसको मैं लिख देता हूँ सी, सी फॉर क्लियर, ठीक है, ऐसे। अब देख लो पहले कि लाइक ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, अब एकदम दिमाग में बैठा लो, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, चलते चलते कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगे तो मैं कर भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं एक चीज़ को, सबसे पहले, हाँ मैंने कहा सबसे पहले ये डिस्प्ले को हम बना रहे होंगे, ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कि लाइक थोड़ा सा इधर पैडिंग है, तो मैं यहाँ पे जा करके रैपर में थोड़ा सा लाइक पैडिंग डाल ही दूंगा, ठीक है, पैडिंग 10 ऐसे, हाँ बिल्कुल। अब एक एक चीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले बनाएंगे, वो कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में इनपुट बॉक्स है, ठीक है, ओ सॉरी, इनपुट बॉक्स यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, टेक्स्ट इनपुट, मैंने आपको पढ़ा रखा था, आई होप याद होगा, ठीक है बिल्कुल, सो ये चीज़ है टेक्स्ट इनपुट, है ना, और मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बात है, आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे, इसको मैं अभी फिलहाल लाइक स्टाइल लिख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टाइल्स डॉट डिस्प्ले, ओके कुछ ऐसे, एंड इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ पहले, है ना, डिस्प्ले के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसको विड्थ दे रहा हूँ लाइक 100% कि भाई तो पूरा विड्थ ले ले, है ना, कुछ इस तरीके से, एंड मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है कुछ रखना चाह रहा हूँ, है ना, सो मैंने अगर सपोज मान लो हैश ट्रिपल ही रखा है, एंड इसका पूरा बैकग्राउंड कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है मैंने इसका क्या कर दिया है वाइट ऐसे, एंड मैंने इसको सेव करा, सो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, अगर आप देखोगे तो कुछ तो हुआ है, आप पता नहीं यहाँ पे देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हुआ है कुछ, ठीक है, ये कलर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, बढ़िया से देखो नज़र गड़ा के, हाँ ओके फाइन नॉट बैड, ठीक है, मैंने कहा इतना भी खराब नहीं है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, और ये कलर अगर आपको लाइक परेशान कर रहा है, वाइट ही रहने दो यार, मतलब क्या ही परेशान कर रहा है, कुछ तो नहीं है, सब ठीक है, हैश ट्रिपल ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो विड्थ हमने सेट करा है मैं इसका हाइट भी सेट कर दूंगा, तो सपोज मान लो हाइट मैंने सेट कर दिया 100, तो ये अभी इतना हो गया है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है बिल्कुल, मैंने कहा आप देख पा रहे होगे, हाँ जी, और मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये कलर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप ये कलर चेंज कर लो, मुझे खुद नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, वेट, फिर मैं इसको वाइट रखता हूँ, देन ये ऐसा दिखेगा, चलो मैं ये रहने देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है गुड, इसमें थोड़ा सा मैं कट मार देता हूँ, ओके, मतलब बॉर्डर रेडियस की मैं बात कर रहा, है ना, पहले हम लोग अभी यूआई बनाएंगे, है ना, उसके बाद लॉजिक, तो बॉर्डर रेडियस लाइक मैंने 10 का डाला, तो 10 पिक्सल का ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड आप यहाँ पे कुछ टाइप कर पा रहे हो, आप देख पा रहे होगे, है ना, बिल्कुल से, एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये राइट साइड से चाहिए, मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा यहाँ पे राइट, ठीक है, सो अब अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे ऐसे 9 प्लस 2 ऐसे, तो ये इधर से टाइप हो रहा है, ऐसे ही कैलकुलेटर में तो होता है, इसका थोड़ा मैं फॉन्ट साइज जो है मैं वो बढ़ाना चाहूँगा, तो फॉन्ट साइज मैंने कर दिया लाइक 25 मान लो, ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि
यहाँ पे आकर के आप लिखना स्टार्ट करो, 9 + 5 ऐसे करके। थोड़ा आप और बड़ा चाहते हो तो थोड़ा और देख लो, इशू एकदम नहीं है, ठीक है। एंड इसमें भी थोड़ा सा पैडिंग चाहिए मुझे, तो मैं डाल दिया पैडिंग 10। तो अभी ये पूरा टच होकर के नहीं यहाँ पे टाइप हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा 78 + लाइक इस तरीके से, एंड आप देख सकते हो कि ये मस्त एकदम परफेक्टली ऐसा काम कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि लाइक इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट होना चाहिए, जैसे कोई भी कैप्शन वैप्शन आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल मैं तो एकदम चीज़ों को सिंपल रख रहा हूँ। डिजाइन आपके ऊपर है, आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। बट अभी कहा ना, क्या ना कहा नहीं कि ये चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड हम चाहें तो नहीं, हमें करना ही है। जैसे हम 7 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 7 बाइंड हो जाना चाहिए, समझ गए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि हमें एक यहाँ पे कॉन्स्ट, एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो होगा डिस्प्ले वैल्यू, है ना, बिल्कुल। और उसके बाद फिर होगा सेट डिस्प्ले वैल्यू, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ माने चाहिए। तो अभी एक स्टेट में क्रिएट कर रहा हूँ, यूज स्टेट लाइक दिस। एंड जैसे मान लो इनिशियली मैंने रखा है 2 + 5 ऐसे, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये ध्यान रखो स्ट्रिंग है। एंड मैं यहाँ पे आकर के इसमें लाइक बाइंड कर देता हूँ वैल्यू, हाँ वैल्यू मैं बाइंड करना चाह रहा हूँ ये जो डिस्प्ले वैल्यू है। चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हो ये 2 + 5। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लाइक 2 + 5 + 3, सो यू कैन से 2 + 5 + 3। तो हमें क्या करना है कि जब हम बटन बटन प्रेस करेंगे ना, तो हमें इसके मदद से इसी का वैल्यू चेंज करना है एक्चुअली में। हम लोग देखेंगे, अभी के लिए तो मैं इसको ब्लैंक रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, अभी के लिए ब्लैंक है ये टोटली, राइट। हाँ जी, अभी ये तो हो गया हमारा, इस पर आप जितना दिमाग लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ये हमारा रेडी है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, एंड सुनोगे अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पे अलग अलग व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। व्यू क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बता भी देता हूँ। ये एक जो पूरा पूरा ये बटन आपको दिख रहा है ना, इसको मैं एक व्यू में डालूंगा, ये पूरा पूरा, ठीक है बिल्कुल। और इसके अंदर जो है मैं टचेबल ऑपेसिटी, ठीक है, वो बटन के लिए टचेबल ऑपेसिटी लाइक ऐसे। एंड आप बढ़िया से देखोगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने कहा आप थोड़ा बढ़िया से देखना अच्छे तरीके से टचेबल ऑपेसिटी। और मैं इसमें स्टाइलिंग करूँगा, स्टाइल, ठीक है। और लिखूंगा मैं स्टाइल्स .btn, मैंने ऐसे लिखा हुआ है। एंड कैप्शन में अभी इसको डाल रहा हूँ, हाँ कैप्शन में डाल रहा हूँ 7, 8, 9। तो ये 7 होगा यहाँ पे, यहाँ पे अभी एक एक पे काम करते पहले, ठीक है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे और बटन के लिए मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। हाँ बटन के लिए मैं कोड लिखूंगा। तो इसका हाइट जो होगा, हाँ मैंने कहा इसका हाइट जो होगा, सपोज मान लो 50, और वेट भी जो होगा वो मैं परसेंट के अकॉर्डिंग पे डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट अभी ऐसा मैंने देता हूँ 50 50। अब ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रखा है, यहाँ पे जरा देखते हैं क्या है। स्टाइल्स डॉट btn, और ये एरर आ रहा है कि टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर्ड विथ अ टेक्स्ट। ओ कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। टचेबल ओपेसिटी के अंदर में एक्चुअली में क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट चाहिए होगा, एंड देन यू कैन राइट 7 लाइक दिस, ओके गुड, ठीक है। और टेक्स्ट कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको इम्पोर्ट मार दूंगा, ठीक है। अब ये 7 जो है आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट अब हमने क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार। तो बटन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, है ना। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं वो सेट करना चाहूँगा वाइट, तो बटन दिखेगा एक्चुअली में, ये रहा, दिख रहा है ना बटन। चलो ठीक है, थोड़ा सा लाइक इसका मैं ये बढ़ाना चाहूँगा, ओके। तो मैंने कहा 70, एंड यहाँ भी मैंने कहा 70, ठीक है। तो 70 70 कुछ इतना लग रहा है, ये बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे लाइक 80 80 इस तरीके से कर दिया, चलो ये ठीक है। ये 7 मुझे यहाँ पे एकदम बीचों बीच चाहिए, आपको ये बात पता है, कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जस्टिफाई कंटेंट कर देना है सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स भी कर देना है क्या सेंटर, एंड ये चला जाएगा बीच में, चला भी गया, ठीक है। बटन को थोड़ा सा और लाइक हम ये करेंगे, हम बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, बॉर्डर रेडियस 10 का, ठीक है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है,
मजा आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे आप कर्सर को लाइक नहीं, यहाँ पे कर्सर कर्सर जैसा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है? ये वेब डेवलपमेंट वाला क्यों दिमाग मिला रहा हूँ मैं। तो अभी ना ये एक बटन बना है, इसमें लिखा हुआ है 7, बड़ा बढ़िया से देखना। हाँ प्लीज, मजा आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ अब मैं क्या बोल रहा, जरा ध्यान से सुनना। ऐसे ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थोड़ा गैप बना बना के, ठीक है? एक और एक और, ठीक है? हम इसको लूप भी चला सकते थे ऐसे, लेकिन यार अभी ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ, ठीक है? 7 8 9, और इसके बगल में मेरा प्लस वाला बटन रहेगा, ठीक है? मैंने इसको सेव करा, एंड आप देख सकते हो ये एक के नीचे कर रहा है, एक लाइन में चाहिए मुझे। ये व्यू पे कंट्रोल लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको क्या करा है, पैक करा हुआ है, तभी व्यू को आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, ठीक है? तो मैं इसको स्टाइल लिखता हूँ, ठीक है? अभी ना क्या है ना कि मैं थोड़ी देर पहले लाइक वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, ठीक है? तो बार बार यहाँ पे क्लास ये सब चीज आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है अगर मल्टीपल चीज़ों पे काम करोगे तो। स्टाइल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक स्टाइल्स डॉट, मैं इसको लिखता हूँ BTN रैपर, ठीक है? हाँ ये सारे जो बटन है एक रैपर में मैंने पैक कर दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है? एक रैपर में, या BTN बॉक्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है? तो BTN रैपर मैंने इसका नाम दिया हुआ है लाइक दिस, ओके? चलो, एंड एक लाइन का मैं कोड लिखूंगा खाली, हाँ एक लाइन का मैं कोड लिखूंगा खाली अभी, फ्लैक्स डायरेक्शन, और मैं कर दूंगा रो। तो क्या होगा ना कि सब एक लाइन में आ जाएगा, आ गया ना? बिल्कुल आ गया। ये बातें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी था, है ना? हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जस्टिफाई कंटेंट, मैं लिख देता हूँ लाइक स्पेस बिटवीन, एंड यू कैन सी लाइक ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अब आप देख रहे होगे, समझ रहे होगे। थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन चाहिए होगा मुझे, तो मैं लिख रहा हूँ मार्जिन टॉप, ठीक है? मार्जिन टॉप मैंने लिखा, और मैंने लिख दिया ऐसा लाइक 10। तो ये पूरा पूरा जो समझवाना चाहिए, ये BTN रैपर, ये पूरा रैपर था, ये ऊपर से जो है वो 10 पिक्सल का अभी मार्जिन ले लिया, ठीक है? बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगा बाद में तो। बट हाँ, ये बातें आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अभी अभी आप थोड़ा सा समझ लो यहीं पे, ठीक है? ये अभी बना हुआ है और ये परफेक्टली काम भी कर रहा है, आप देख सकते हो। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा बढ़िया से सुनोगे, मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा बढ़िया से सुनोगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये 7 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है ना, मैं कोड लिखूंगा बस, सिंपल देखना। ऑन प्रेस, ठीक है? और मैं एक फंक्शन यहाँ पे चलाऊंगा, इस फंक्शन के अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा। इसका वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये डिस्प्ले वैल्यू से बाइंडेड है ये वैल्यू, ठीक है? और वो डिस्प्ले वैल्यू को अगर आप छेड़ना है, तो आप सेट डिस्प्ले वैल्यू आपने बना रखा है, आप देखो तो सही, सेट डिस्प्ले वैल्यू। इसमें मैं वैल्यू सेट करूंगा, पता है क्या क्या सेट करूंगा पता है? पहले से जो इसका वैल्यू है, मतलब डिस्प्ले वैल्यू जो पहले से है, हाँ मैंने कहा पहले से जो वैल्यू होगा, अभी जैसे ब्लैंक है कुछ नहीं है, प्लस, हाँ प्लस 7 एग्जैक्टली, पहले से जो भी होगा 7 कैनकेटिनेट करके, क्योंकि स्ट्रिंग है तो 8 हो जाएगा, जैसे पहले से ब्लैंक है तो 7, ब्लैंक प्लस 7 तो 7 ही होगा, ठीक है? एंड वो सेट डिस्प्ले वैल्यू में चला जाएगा, तो 7 यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो डिस्प्ले वैल्यू में अब हो गया 7। एक बार आपने और 7 प्रेस कर दिया ये बटन, तो अब डिस्प्ले वैल्यू में क्या है, 7, और 7 प्लस 7, समझ रहे हो ना मैं क्या बोला? तो दो बार अगर आपने 7 प्रेस करा, तो 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 7 7 77। तो आपको, आप दो बार अगर 7 दबाते हो ना, तो यहाँ पे 77 दिख रहा होगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसको लाइक सेव करा, एंड नाउ यू कैन सी 7 7 7 7 7, मस्त एक नंबर, ठीक है? सेम लॉजिक जो है, मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़िया से देखोगे, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे जाकर के पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है? बस ये 7 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 8, दैट्स इट। एंड यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 9, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस, ठीक है? तो स्ट्रिंग कैनकेटिनेट हम करवा रहे हैं, पहले से जो वैल्यू उसमें हम ये चीज़ को कैनकेटिनेट कर रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं प्लस दबा दिया, ये देखो प्लस कैनकेटिनेट हो गया, तो पहले से ये वैल्यू था, हाँ डिस्प्ले वैल्यू का वैल्यू जब निकाला तो पहले से ये था, एंड प्लस 8 हो गया उसी में, एंड फिर हमने क्या करा, सेट डिस्प्ले वैल्यू से हमने उसमें सेट कर दिया वैल्यू,
ठीक है, बहुत ही शानदार। तो लाइक ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार दोबारा से समझा दूँ, थोड़ा पैसा सीखना ठीक है, जिनको समझ में आ गया और जिनको नहीं समझ में आया वो भी थोड़ा पैसा सीखेंगे। ये एक्चुअली में बाइंडेड है डिस्प्ले वैल्यू से। तो ये रहा हमारा डिस्प्ले वैल्यू, इसमें वैल्यू सेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है सेट डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है बिल्कुल। तो इनिशियली इसमें कुछ नहीं था, ब्लैंक स्ट्रिंग था। जब आपने 7 प्रेस करा ना, तो आपने कहा है सेट डिस्प्ले वैल्यू को कॉल करो और उसमें भेज दो क्या, तो डिस्प्ले वैल्यू में जो वैल्यू है पहले से आप भेज रहे हो डिस्प्ले वैल्यू प्लस 7 के केस में 7, पहले से यहाँ पे कुछ नहीं है तो ब्लैंक और 7 ऐड हो जाएगा तो 7 आएगा, एंड उस 7 को आप भेज रहे हो सेट डिस्प्ले वैल्यू में, तो यहाँ पे 7 हो गया। आप समझ रहे हो, एक बार आपने 7 के बाद चलो मान लो कि आपने 8 प्रेस कर दिया, तो फिर से वही चीज़ आपने लिखा है कि पहले से जो डिस्प्ले का वैल्यू है तो डिस्प्ले वैल्यू भी कितना है 7, और 8 वाला के केस में ये लिखा हुआ है प्लस 8 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बढ़िया से देखो ना कोड में, ये देखो डिस्प्ले वैल्यू प्लस 8 दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो क्या होगा कि लाइक पहले से था स्ट्रिंग है ये, ठीक है स्ट्रिंग कैन कंडीशन आपको बताया होना चाहिए कि जैसे मान लो 7 है और प्लस लाइक 8 करोगे तो ये 7 8 हो जाएगा, समझ रहे हो ना इस तरीके से? तो अगर आप 7 के बाद लाइक 8 प्रेस कर दे रहे हो तो आपको दिख जाएगा ऐसे 7 8 78। फिर मान लो आपने प्लस वाला प्रेस कर दिया बटन, ठीक है तो पहले से जो डिस्प्ले वैल्यू है और प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी 78 है, हाँ ये स्ट्रिंग में ऐसे एंड प्लस ऐसे है ना इस तरीके से। तो ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो 7 8 और प्लस कैनकेटेड हो जाएगा। अब बढ़िया से देखो, ठीक है चीज़ें वैसे ही हो रहा है, आप देख पा रहे हो ना? हाँ ये लो पहले से, अब वैल्यू पहले से ही है राइट। फिर 9 ऐसा प्रेस कर दिया। तो मैं से उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि कैसे ये गेम चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा पूरी बात को बढ़िया से समझो। देखो आप चाहो तो लूप बना के भी ये चीज़ कर सकते थे, कम कोड लिखना पड़ता ठीक है, बट कोई बात नहीं अभी हम चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखेंगे। तो मैंने एक बार और कंट्रोल एस पेस्ट कर दिया, सॉरी कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, तो आप देख सकते हो 7 8 9 फिर से आ रहा है। तो मैं बस इसको ही छेड़ूंगा अभी, ठीक है 7 8 9 की जगह पे मैं इसको करूंगा 4, इसको मैं करूंगा 5 एंड मैं इसको करूंगा 6, ठीक है बिल्कुल अच्छे से देखो। एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस की जगह पे मैंने कर दिया माइनस, हाँ बिल्कुल मैंने ये कर दिया। एंड उसके बाद एट द सेम टाइम मुझे ये भी छेड़ना है इसका कैप्शन, यहाँ पे मैंने ये करा ही नहीं। 4 5 6 और ये माइनस, चलो ये चेंज हो जाएगा ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों रहेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। चलो अभी ये ठीक है, हाँ बढ़िया से। अब चाहो तो लाइक बटन का थोड़ा सा कैप्शन आप बड़ा करना चाहोगे, एंड बटन का कैप्शन जो है ये टेक्स्ट की वजह से आ रहा है, तो मैं इसको स्टाइलिंग करता हूँ ठीक है। हाँ मैं इसको स्टाइल करता हूँ और मैं इसमें लिखूंगा स्टाइल्स डॉट बेटियन टेक्स्ट, ऐसे समझ गए? ये कंट्रोल सी करके इसमें भी दे दो, इसमें भी और ऊपर में भी था है ना, इन सबको भी दे दो लाइक इस तरीके से, समझ रहे हो? बिल्कुल। एंड उसके लिए हम कोड लिखेंगे तो सब में वो इफेक्ट आ जाएगा। चलो भाई अब बिटियन टेक्स्ट के लिए कोड लिखना है यहाँ पे, तो मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे एंड यू कैन सी लाइक बिटियन टेक्स्ट, बढ़िया से देखो इधर। तो मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज छेड़ने जा रहा हूँ, फॉन्ट साइज लाइक 18, ओ नो ये 18 टाइप नहीं हुआ, अनलॉक ये था ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बटन दिख रहा होगा एंड अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है ठीक है कुछ इस तरीके से राइट। चलो बढ़िया काम कर रहा है। तो ये हो गया अभी, मैंने कहा ये हो गया अभी। अभी उसके बाद फिर से ये पूरा पूरा चीज़ जो है कॉपी कर लो आप है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपको पता है कि यहाँ पे क्या करने वाला, सबसे पहले कैप्शन चेंज करो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, प्लस माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो मैं चलते चलते चेंज कर रहा हूँ, ये क्रॉस का साइन ऐसे, हाँ बिल्कुल ये जो दिख रहा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा स्टोरी अलग है, थोड़ा समझोगे? ये 1 रख रहे हो, ये 2 रख रहे हो, ये 3 रख रहे हो, ये जो चीज है थोड़ा इसको समझना। यहाँ पे मैं स्टार रखूंगा ठीक है, यहाँ पे स्टार रख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सॉल्व होगा जावास्क्रिप्ट में है ना, इस बात को विशेष ध्यान रखना है।
हाँ मैंने कहा ये सॉल्व हो जाए उसके ऊपर, ठीक है, इसलिए ध्यान रखोगे, मैंने इसको सही बोला। तो अभी मैंने ये 2 करा इंटू 1, चलो ये बढ़िया है, बस काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ये भी हो गया। हाँ मैंने कहा ये भी हो गया और बढ़िया से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, गुड। मैं थोड़ा सा एक काम यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ, अभी रुकोगे तो ये बटन तो बन गए, राइट, मैंने कहा ये बटन बन गए, कोई इशू नहीं है। 3 3 होता तो शायद, पता नहीं, 4 4 बनने बटन बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो 7 8 9 प्लस ये ऐसे, और एक मैं और लाइन बनाऊंगा अभी, है ना, मैंने कहा एक लाइन में और बनाऊंगा, और थोड़ा सा रुकना आप अच्छे से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके बिल्कुल। सो यहाँ पे जो बटन होगा, मैं कुछ भी ऐसे लाइक नाम रख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा ना, ये वाला चीज़ पे भी दिमाग मत लगाना, ठीक है, मैं अभी ये ऑन प्रेस पे, इसको इसको आप माइंड मत करना अभी, यहाँ मैं कह रहा हूँ उसको मैं चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे इसको ना सी लिख रहा हूँ, ठीक है, सी मतलब क्लियर। तो ना इस केस में मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से सुनो, ये मैं नहीं सेट करने वाला हूँ, ठीक है, डिस्प्ले वैल्यू को उठा करके ऐसे नहीं, सी फॉर क्लियर मतलब ब्लैंक कर दूंगा, डिस्प्ले वैल्यू में एकदम ब्लैंक सेट कर देंगे, समझ गया ना, जब भी ये बटन प्रेस होगा, ये बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर, जस्ट वेट। और ये होगा 0 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 0 लिख देता हूँ ऐसे। उसके बाद यहाँ पे ये होगा स्लैश, ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे स्लैश, चलो भाई ठीक है, ये भी, हाँ मैंने कहा ये भी ठीक है, और क्या, और कुछ ऐसा, अभी यहाँ पे क्या क्या था देखो ना जरा, एक इक्वल टू, अच्छा डॉट 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 बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे डॉट लगाते हैं, और एक काम करते हैं यहाँ पे स्लैश लगाते हैं, तो मैंने इसको सेव करा, और यहाँ पे भी हम चीज़ों को थोड़ा सा छेड़ेंगे, यहाँ पे स्लैश होगा और यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है, डॉट मतलब वही पॉइंट 2.5 ऐसे कुछ, है ना, चलो मैंने इसको सेव करा। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखो सी फॉर क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया ना, बहुत ही शानदार। 7 प्लस 2 इंटू 3 क्लियर, बढ़िया, एक नंबर, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड एक बटन में बनाने जा रहा हूँ अभी, है ना, एक ही बटन में बनाने जा रहा हूँ, और ये पूरा पूरा विड्थ ले रहा हूँ। अब मेरा कैलकुलेटर ऐसा ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी, ठीक है, बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो तो मैं यहाँ पे ये एक व्यू में ऐसे मैंने और करा हुआ है, बट द थिंग इज कि मेरे पास ये एक ही बटन होना है अभी, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे लिखा होगा इक्वल टू ऐसे, ठीक है, अब थोड़ा बढ़िया से समझ लोगे। एंड ये ऑन प्रेस पे मैं कुछ और करवाऊंगा, अभी इसको रहने दो, देन बिटवीन की जगह पे मैं इसको लिख देता हूँ कुछ और, इक्वल बिटवीन में लिख देता हूँ, चलो, क्योंकि मैं इसके लिए अलग कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल बिटवीन, इक्वल बिटवीन, ठीक है, या मैं चाहूँ तो ऐसा है कि वही चीज रहने दे सकता, सुनोगे, एंड इन लाइन कोड में ऐड कर सकता हूँ, देखो कैसे, ये वाली चीज़ ऐसे रहने दो, ये भी काम कर रहा होगा, ठीक है, और खाली मैं विड्थ को ओवरराइड करने जा रहा हूँ, विड्थ में कर दे रहा हूँ 100% ऐसे। सो आप देख लिए, समझ गया मैं क्या बोला, बिल्कुल। इसका कलर भी मैं चाहूँगा चेंज करना, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया रेड, एंड तब इस केस में इसका जो कलर है ना, ये इक्वल टू, इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे आकर के फिर मैं इसका कलर कर दूंगा वाइट, ठीक है, एंड ये आप देख सकते हो कि ऐसा चीज़ बन के रेडी है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा चीज़ बन के रेडी है। मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनोगे, ऊपर में मुझे हेडिंग लगाना है, बिल्कुल लगाना है, ठीक है,
बिल्कुल लगाना है। तो इस जगह पे मैं एक टेक्स्ट लगा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ SBS कैलकुलेटर, ठीक है। अब आप देख लेना थोड़ा कि इस तरीके से आपने लिख दिया है। हाँ, आपने इस तरीके से लिख दिया है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है SBS कैलकुलेटर। थोड़ा सा इसमें मैं काम करना चाहूँगा, बिल्कुल। सो मैंने इसको स्टाइल लिखा है और ऐसे स्टाइल्स डॉट हेडिंग, ठीक है, प्लीज थोड़ा देखोगे। और मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे और इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ थोड़ा। हाँ, मैंने कहा कि इसके लिए मैं थोड़ा सा कोड लिखूँगा, तो हेडिंग के लिए, राइट। हाँ जी, कहानी ये है कि सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज है ना, सबसे पहले इसका क्या है, फॉन्ट साइज इसे मैं कर देता हूँ 18। एंड कलर जो है, मैं ये कुछ भी कर सकता था, मैं इसको रेड कर देता हूँ। एंड अलाइन सेल्फ उसको, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन अलाइन सेल्फ करता हूँ और मैं इसको भेज सकता हूँ सेंटर में ऐसे। तो ये चला गया सेंटर में। पैडिंग वेडिंग का अगर ये है तो आप डाल दे सकते हो पैडिंग 10 पिक्सल का, एंड यू कैन सी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मार्जिन वार्जिन भी आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे और भी चीज़ें लगा सकते थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये पूरा चीज़ आपको पूरा सेंटर में चाहिए तो वो बात भी आपको पता है कि कैसे करना है। यहाँ पे आपको आने हैं और आप लिख दोगे अलाइन आइटम्स सेंटर, क्योंकि आपने फ्लैक्स वहाँ पे डाल रखा है ना। तो ओ नो, ये नहीं, अलाइन आइटम्स नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, राइट। और ये बीचों बीच आ जाएगा, मुझे तो ये पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको बताया कि ऐसे चाहो तो आप कर सकते हो। एंड और भी चीज़ें यहाँ पे कुछ होंगे तो इंक्लूड कर लेना, अपना पिक वेक यार लगाओ थोड़ा, देखो ठीक है यहाँ पे, या ऊपर में लोगो वो लगा करके। बट अब यहाँ पे UI तो रेडी है, ऐसे मान के चलो, अभी मान के क्या, चलो दिख रहा है रेडी है। अब इसको सॉल्व करने हैं, जैसे मान लो मैंने 9 प्रेस करा, प्लस 2.3, ठीक है, और क्लियर तो काम कर ही रहा है, 1.2+3.0 ये भी काम कर रहा है, ठीक है, N2 2 ऐसे /1 ये सब काम कर रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा बढ़िया से देख लो, सब काम कर रहा है सारे बटन। बस यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि जब इक्वल टू मैं प्रेस करूँ, अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, बट इक्वल टू जैसे मैं प्रेस करूँ, मैं चाहता हूँ कि इवेलुएट होकर के यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, मस्त 1 नंबर। तो कैसे ये करा जाए, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, पता है। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है इवेल, और उसके अंदर में स्ट्रिंग में अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन डाल देता ना तो वो सॉल्व कर देगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ एग्जैक्टली, मैं उस चीज़ को आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप देख लो, जावा स्क्रिप्ट, मैंने ऐसे कुछ लिखा है यार, कोड एडिटर, कंपाइलर वम्पाइलर आ जाता है लिखा हुआ, चलो यही सब सर्च मार दो जो भी है। एंड आप यहाँ पे चले जाओ, अभी ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है, console.log, और मैं इसके अंदर लिखता हूँ इवेल, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एक स्ट्रिंग, वो एक्सप्रेशन कंटेंट कर रहा होगा 2+3, तो क्या करेगा ना, इसको सॉल्व कर देगा इवेल, पूरा इवेल्युएट कर देगा, ठीक है, एंड फिर लॉक कर देगा। मैंने रन पे क्लिक मारा ना, एंड यू कैन सी 5, तो ये काम कर रहा है तब है ना, ये काम कर रहा है, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं, पता है कैसे। ये जो इक्वल टू बटन है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे कोड लिखने आ रहा हूँ, बढ़िया से देखो क्या मैं लिखने आ रहा हूँ। ऑन प्रेस, जब ये प्रेस होगा ना तो ये कोड चलाओ, और कोड क्या है पता है, ये डिस्प्ले का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको चेंज करना है तो सेट डिस्प्ले वैल्यू, इसका वैल्यू चेंज करना है, और क्या चेंज करना है, इसको पूरा ये जो डिस्प्ले वैल्यू है उसको पूरा इवेल्युएट करके। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा इवेल, और फिर उसमें पास कर दूंगा ये डिस्प्ले वैल्यू, हाँ जी ये डिस्प्ले वैल्यू, समझ गए। चलो ऐसे मैंने पास कर दिया, मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखता हूँ ये काम करता है या नहीं, पहले क्लियर कर दिया, ठीक, बढ़िया से देखते जाओगे, 2+3 एंड इक्वल टू, ओ नो, कुछ एरर आया है, क्या हुआ है, क्या हुआ गया है, सेट डिस्प्ले वैल्यू, इवेलुएट करो डिस्प्ले वैल्यू को,
एक काम करते हैं, जस्ट वेट, थोड़ा सा रुकना है ना, थोड़ा सा रुकना यहाँ पे, थोड़ा सा लाइक चीजों को देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं कंसोल में पहले लॉग करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और एवल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले वैल्यू, ऐसा मैंने इसको सेव करा। ठीक है, मैंने 7, एक मिनट पूरा क्लियर कर लो, 5 + 7 इक्वल टू, ये 12 आ रहा है। तो भाई साहब यही चीज को तो मुझे, यही चीज को तो मुझे लॉग खाली ना करवा के, हाँ ये जो लॉग मैंने करवाया, इसके बजाय मुझे क्या करना है, सेट डिस्प्ले वैल्यू करना है, यही तो काम है। मैंने इसको सेव करा, चलो मैं दोबारा से देखता हूँ, 2 + 3 इक्वल टू नो, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये होना चाहिए था। मैं सेट डिस्प्ले वैल्यू पे काम करता हूँ, यहाँ पे अंदर में ये शायद इवेल्युएट नहीं हो रहा है, जस्ट मैं ऐसे लिखता हूँ, सपोज मान लो 5, तो 8 लाइक ऐसे कुछ, 58 + 6, और जब मैं इक्वल टू दबाऊँ तो ये 5, ये तो हो गया। रुको फिर एक काम करते हैं, ऑन प्रेस पे हम एक फंक्शन कैलकुलेट वैल्यू, ठीक है, और इसको डिफाइन करते हैं इधर। चलो इधर देखो, कॉन्स्ट कैलकुलेट वैल्यू है ना, लाइक इस तरीके से, एंड ये कंसोल में लॉक कर रहा होगा पहले। या एक मैं काम करता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है, मैं एक कॉन्स्ट बना रहा हूँ, कॉन्स्ट डी इज इक्वल टू एवल, और एवल कर रहा होगा डिस्प्ले वैल्यू, ये डिस्प्ले वैल्यू में पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये बातें हमें समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू छूट गया। एंड मैं यहाँ पे कंसोल में लॉक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डी को देखते हैं। सो मैंने क्लियर करा, 8 + 2 इज इक्वल टू, ये क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है भाई। ओके ओके, ये प्रॉपर है यहाँ पे, कैलकुलेट वैल्यू, रुको ये गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा है तो फिर आपको कॉल करना पड़ेगा है ना, आपको ये डायरेक्ट लिखना है ऐसे, राइट। हाँ जी, चलो मैंने तो सेव करा, एंड मैं कह रहा इक्वल टू, तो ये 10 आ भी रहा है, वही तो कह रहा हूँ कि अब इस डी को आप सेट कर दो ऐसे, लाइक सेट डिस्प्ले वैल्यू, मैं डाल दो डी को, मैंने इसको सेव करा, अभी क्लियर करा, 8 + 2 इक्वल टू, ओ भाई ये क्यों नहीं जा रहा, सेट डिस्प्ले वैल्यू में अगर हमने डी को पास करा है तो जाना चाहिए था ये। एग्जैक्टली, बट ये क्यों इसमें लाइक सेट नहीं हो रहा, ये एक चीज है, ये एक चीज है जो कि हमें समझना चाहिए। और ये यार इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कैसे 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 हो रहा है ये, यहाँ पे ठीक है लॉग हो रहा है, बट सेट डिस्प्ले वैल्यू के मदद से इसमें ये सेट नहीं हो रहा, ये स्टोरी है क्या। डी लाइक जो टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं है, हाँ ये एक चीज हो सकता है, तो मैं इसका टाइप चेक करना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं रुको, कंसोल डॉट लॉग में मैं टाइप चेक करना चाहूँगा, ठीक है, टाइप ऑफ, और मैं डी लाइक पास कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया से देखोगे, एक एक चीज को लाइक पकड़ने की कोशिश करो आप, ठीक है, लाइक कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रिंग चाहिए है ना, ये बात है। तो मैं क्या बोल रहा कि मैं अभी रखा लाइक 7 107 + 2, ओके, मैंने इक्वल टू प्रेस करा, सो ये एक्चुअली में नंबर है। हाँ जी, तो नहीं आप नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है।
ये जो डी है ये एक्चुअली में क्या है, नंबर है, और यहाँ पे हमने लाइक स्ट्रिंग ये करने हैं, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये इनपुट टेक्स्ट है तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे जा रहा होता है। हाँ तो फिर इस चीज को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस नंबर को, एंड देन उसको सेट करना पड़ेगा। तो डी डॉट आप यूज कर सकते हो टू स्ट्रिंग, ठीक है लाइक ये, तो उसको पहले स्ट्रिंग में कास्ट किया जाएगा, देन उसको सेट कर दिया जाएगा। उसको सेव करता हूँ एंड लाइक दोबारा से चलाने का ट्राई करता हूँ। तो 2 + 3 एंड इक्वल टू यू कैन सी 5। मस्त, समझ गया मैं क्या बोला। तो अभी ये पूरा पूरा गेम इसमें टिका हुआ था, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है गुड। तो अब ये बातें हमें समझ में आ गया, अब ये बढ़िया से काम करेगा। देखो अभी 7 + 5 into 2, पहले 5 into 2 होगा 10, 10 + 7 कितना जाएगा 17, सो यू कैन सी 17, 17 / 2 = 8.5। मस्त काम कर रहा है ना, एकदम स्मूथली चीजें। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पे प्रॉब्लम जो था और एक नया चीज आपने सीखा कि ये जो टेक्स्ट इनपुट है, ठीक है ये इसको चाहिए होता है एक्चुअली में, यहाँ पे स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है, तो आपने अपने स्ट्रिंग लाइक इनिशियलाइज करा होता है ब्लैंक स्ट्रिंग, बट जो रिजल्ट आ रहा था इवेल्युएट करने के बाद वो दे रहा था एक नंबर। तो हमने क्या करा, उस नंबर को पहले स्ट्रिंग में कास्ट कर लिया, देन उसको सेट करा, ठीक है, और बाकी लॉजिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर ही है। तो ये पूरा पूरा कहानी आपको मजे से समझ में आएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों में शेयर करो, एंड उनको बताओ कि लाइक रिएक्ट नेटिव पूरा पूरा लाइक इसमें सिखाया जा रहा है इस चैनल में। और आई होप कि मजा भी आ रहा होगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके।